नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। DSSSB की तरफ से बड़ी अपडेट आई है निकल के। बिल्कुल अभी अभी 6 नए नोटिस जारी किए गए हैं, तो बिल्कुल विस्तार से आपके साथ शेयर करेंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और DSSSB की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले ये सबसे अच्छा नोटिस ये देख लीजिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नोटिस नंबर 805, डेट देखिए 16 अगस्त 2021। असिस्टेंट टीचर नर्सरी पोस्ट कोड 16/19 में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का और सिलेक्शन कर लिया गया है वेटिंग पैनल में से। बड़ी अपडेट आ गई है दोस्तों, ये देखिए, यहाँ आप रोल नंबर चेक कर सकते हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी से 55 और कैंडिडेट्स का यहाँ सिलेक्शन किया गया है। इसी तरह से अनरिजर्व PHOH कैटेगरी से 2 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है। EWS कैटेगरी से 8 कैंडिडेट हैं, OBC कैटेगरी से 33, SC कैटेगरी से 10, SC PHOH कैटेगरी से 1 कैंडिडेट, ST कैटेगरी से 6 कैंडिडेट। तो काफ़ी सारे और कैंडिडेट का यहाँ सिलेक्शन किया गया है। और ये सिलेक्शन क्यों किया गया है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनका कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिया गया है। वो नोटिस भी जारी किए गए हैं, वो भी देखेंगे। उससे पहले आप देख लीजिए कट ऑफ, आखिर इनकी कट ऑफ क्या है। अब अनरिजर्व 101.91, EWS 86.5, OBC 88.25, SC 96, ST 71.82, PH में OH की 75.63 और VH की 67.07। तो ये देखिए पहला रिजेक्शन नोटिस, असिस्टेंट टीचर नर्सरी पोस्ट कोड 16/19 से जुड़ा हुआ। ये काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिया गया है। रीज़न यहाँ दे दिया गया है रिमार्क्स में, फेल टू अपलोड ई डोजियर विद अफेक्ट फ्रॉम 30/6/2020 टू 14/7/2020। तो ये काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं। अनरिजर्व कैटेगरी से 22 कैंडिडेट, EWS कैटेगरी से 10 कैंडिडेट, OBC कैटेगरी से 5, SC कैटेगरी से 3, ST कैटेगरी से 8। तो इन्होंने तो अपने डॉक्यूमेंट ही अपलोड नहीं किए थे जो समय सीमा इन्हें दी गई थी। और इसी के साथ साथ एक रिजेक्शन नोटिस और है, पोस्ट कोड 16/19, असिस्टेंट टीचर नर्सरी से ही जुड़ा हुआ। तो यहाँ पे भी आप देखिए काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका कैंडिडेट रिजेक्ट किया गया है। क्यों किया गया है, ये रीज़न यहाँ दे दिया गया है। ये देखिए चल ही रहा है, काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है ये यहाँ जिनका कैंडिडेट रिजेक्ट किया गया है। और इसी के साथ साथ कुछ नई अपडेट और आई है निकल के, वेटनरी लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर पोस्ट कोड 4/20 से जुड़ी हुई अपडेट है। अनरिजर्व कैटेगरी से 11 कैंडिडेट हैं, इनके ये डॉक्यूमेंट पेंडिंग में है। इन्हें एक मौका और दिया जा रहा है अपने ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने का 18/8/2021 से और 27/8/2021 तक। EWS कैटेगरी से 14 कैंडिडेट से कुछ डॉक्यूमेंट पेंडिंग में हैं। OBC कैटेगरी से 2 और SC कैटेगरी से 8 कैंडिडेट, ST कैटेगरी से 3 कैंडिडेट और PWD कैटेगरी से 1 कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट पेंडिंग में है। तो इनका ईडोजियर मॉड्यूल का लिंक एक्टिवेट रहेगा 18/8/2021 से और 27/8/2021 तक। आज का अगला नोटिस असिस्टेंट डायरेक्टर प्रेस एंड इन्फॉर्मेशन पोस्ट कोड 39/13 से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ ये 2 कैंडिडेट हैं जिनके ये डॉक्यूमेंट अभी पेंडिंग में है, तो इन्हें एक मौका दिया जा रहा है अपने ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने का 16/8/2021 से 25/8/2021 तक। और एक नोटिस जारी किया गया है, लोअर डिवीज़न क्लर्क पोस्ट कोड 8/19 से जुड़ा हुआ। तो यहाँ आप देखेंगे कुछ कैंडिडेट्स का और यहाँ सिलेक्शन किया जा रहा है, अनरिजर्व से 1, OBC से 1 और ST से 1। जो इनकी कट ऑफ रही है वो रही है कुछ इस प्रकार से, अनरिजर्व 179.7, OBC 174.57, SC 163.5, ST 139.67, PHVH की 159.35 और PHOH की 166.18। तो दोस्तों ये आई थी अपडेट आज की डेट में DSSSB की तरफ से, 6 नए नोटिस जारी किए गए। सबसे बड़ी खुशखबरी आई है असिस्टेंट टीचर नर्सरी से जुड़ी हुई, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का और यहाँ सिलेक्शन कर लिया गया है वेटिंग पैनल में से। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुँचानी थी वीडियो के माध्यम से। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।